नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की बड़ी और खास खबरें बताने से पहले नजर डालते हैं आज देश और विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। लैंड फॉर जॉब स्कीम, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई का समन, पूछताछ के लिए बुलाया। आज ईडी के सामने पेश होंगी केसीआर की बेटी कविता, दिल्ली अबकारी केस में सवालों से होगा सामना। पशु तस्करी मामले में टीएमसी नेता अनुव्रता मंडल को 11 दिनों की ईडी रिमांड, बेटी को पूछताछ के लिए बुलाया। सतीश कौशिक की मौत के मामले में आया नया मोड़, दिल्ली पुलिस ने फार्म हाउस से बरामद की दवाएं, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है इंतजार। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का निधन, कार्डिक अरेस्ट के चलते हुआ निधन। अमेरिका बढ़ते प्रवासियों से है परेशान, तो रूस आबादी ना बढ़ने से ट्रंप का जोर, मांग बढ़ानी है तो अमेरिकी ज्यादा बच्चे पैदा करें। सऊदी ईरान की दुश्मनी होगी खत्म, 7 साल बाद अपनी अपनी एम्बेसी खोलेंगे दोनों देश, पर्दे के पीछे चीन ने कराया था समझौता। पाकिस्तान में वुमेन्स डे, सबसे बड़े टीवी चैनल पर बुरखा मास्क के साथ दिखी 4 महिलाएं, इस्लाम महिला अधिकारों पर हुई चर्चा। तो ये थी देश दुनिया की कुछ खास खबरें। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों। फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल परिसर में बीते दिन 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत फरीदाबाद के सांसद एवं ऊर्जा भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने की और मंच से सांसद महोत्सव की शुरुआत की घोषणा की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला भी बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने ट्रैक पर पहुंचकर खिलाड़ियों की दौड़ शुरू करवाई। आपको बता दें कि सांसद खेल महोत्सव के तहत 3 कैटेगरी के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 14 साल से कम और 14 साल से 19 साल तक तथा 19 साल से ऊपर के खिलाड़ी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार इन खेलों की योजना से नए प्रतिभान खिलाड़ी सामने निकल कर आएंगे, जो भविष्य में देश का नाम रोशन करेंगे। लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच के और प्रेरणा से पूरे देश में हर संसदीय क्षेत्र में इस तरह के सांसद खेल महोत्सव का आयोजन निरंतर जारी है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शी सोच है कि हिंदुस्तान के दूर दराज के गांवों में, कस्बों में, कॉलोनियों में रहने वाली ऐसी प्रतिभाओं को, जिनको कभी अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का कोई मंच नहीं मिलता, कोई मौका नहीं मिलता, सांसद खेल महोत्सव के द्वारा उनको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच मिले। ये मंच उनकी दूरदर्शी सोच और प्रेरणा का प्रतीक है कि दूरदराज के गांवों में छिपी हुई प्रतिभाओं को इन खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और उनमें एक उत्साह आता है, खेलों के प्रति उनका रुझान भी बढ़ता है जब मौका मिलता है, और जब उनका उत्साह बढ़ता है तो वो आगे खेलों में पूरी रुचि रखकर देश का नाम पूरी दुनिया में करने के लिए वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। जिला नूह महिला पुलिस कर्मचारी और शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत राजकीय महिला महाविद्यालय सैलाहड़ी के लेक्चरार के साथ छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं महिला पुलिस कर्मचारी और शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत राज्य महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने मोटरसाइकिल स्कूटी चलाकर प्रदर्शन निकाला। आपको बता दें कि ममता खरब ने डीएसपी महिला विरुद्ध नूह ने महिला के सम्मान और मर्यादा के साथ हौसले को जाहिर करते हुए मेडल देकर सम्मानित किया। डीजीपी साहब के आदेश अनुसार भी सभी जिलों में पुलिस द्वारा एक महिला दिवस के कार्यक्रम करने का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था, जिसकी कड़ी में आज नूह पुलिस ने बाइक रैली निकाली है ताकि महिलाओं को जागरूक कर सकें और महिलाएं खुद सशक्त बन सकें। और आज महिलाओं का दिन है और मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, इसमें जो रोड पर हमने आज रैली निकाली है, बाइक रैली, और उसमें हमने ये मैसेज दिया है कि महिलाएं हर फील्ड में, चाहे वो पुलिस में है, खेल में है या किसी भी फील्ड में है, वो आज सबसे आगे हैं और सशक्त हैं, जागरूक हैं। उनको मौका मिलेगा तो हर फील्ड में वो अच्छा कर सकती हैं। पलवल इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान पलवल के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाने साधते हुए कहा
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के दबाव में हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय भाजपा की भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। चौटाला ने जेजेपी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जेजेपी पार्टी अनुशासनहीन लोगों की पार्टी है। भाजपा के राज में हर वर्ग दुखी है। प्रदेश के लोग भी अब ये जान चुके हैं कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए निश्चित तौर पर प्रदेश में इनेलो की सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद ये भूल गए कि दूसरी दफा जब सरकार बनाई थी उन्होंने, तब रीजनल पार्टी के एमएलए को साथ लेकर के बनाई थी। वो कोई कांग्रेस के विधायक नहीं। और नंबर दो जो एनडीए की सरकार 10 वर्ष रही, वो भी रीजनल पार्टियों के सदस्यों की वजह से ही रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे ख्याल भाजपा की भाषा बोलते हैं, तो लोगों को, क्योंकि कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को और जसपा को भी देख, इस 18 साल में कुछ भी नया नहीं हुआ, इसलिए अब लोगों ने फिर से नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करनी शुरू कर दी। और मुझे भरोसा है इस यात्रा के बाद। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में देर रात एक आम आदमी की गाड़ी को कुछ शरारती तत्वों ने चकनाचूर कर दिया, जिसमें गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। पीड़ित शख्स ने रवि शर्मा ने बताया कि मामला पुलिस ने दर्ज करा दिया है। वहीं सेक्टर 3 पुलिस चौकी इंचार्ज सीमा ने कहा कि मामले की जांच जारी है। ये रात को कोई आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं सर, जिसने भी फोड़ी है वो शिकायतकर्ता हमारे पास आए हैं। उन्होंने जिसके प्रति अपना शक जाहिर किया उसको भी बुला के यहाँ पूछताछ की गई है। वैसे हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं और जैसे भी किसी भी तरह गाड़ी को और यहाँ पे उतरने के बाद में ताबड़तोड़ यहाँ पे चारों तरफ से मेरी गाड़ी को शीशा तोड़े हैं उन्होंने, बैक टू बैक एक भी शीशा नहीं छोड़ा है। और लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, फ्रंट साइड से, हेडलाइट भी सारे उन्होंने मतलब प्री प्लानिंग के साथ में यहाँ पे मेरी गाड़ी को पूरा तोड़ा गया है। अपराधी पहचान नहीं हो पाई, कौन थे अपराधी? सर इस तरह की पहचान तो नहीं हो पाई है और बस फुटेज में हम लोग चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। हरियाणा सरकार ने समाज के सभी वर्गों के परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनके 5,00,000 रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान चिरायु हरियाणा कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस योजना के लिए दिव्यांगजनों की वार्षिक आय 3,50,000 रुपए निर्धारित की गई है। 3,50,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाला कोई भी दिव्यांगज व्यक्ति आयुष्मान चिरायु हरियाणा कार्ड बनवा सकता है। मैं राजकुमार मक्कड़, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन वीरों रणधीरों की इस धरती मेवात में दिव्यांगजन की न केवल समस्याएं सुनने के लिए आया हूं, अपितु हरियाणा सरकार और भारत सरकार के द्वारा उनके हितार्थ जो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी समीक्षा करने के लिए और यहां के अधिकारियों को भी जागरूक करने के लिए आया हूं। आज यहां खुला दरबार लगा जिसमें बहुत सारे दिव्यांगों ने अपनी समस्याएं रखी, इनका मौके पर निदान किया गया। जो राज्य स्तरीय समस्याएं थी उनका निदान कुछ समय पश्चात होगा, जिला स्तरीय जो थी उनका मौके पर ही निपटान किया गया है। नुह मेवात कैप्टन अजय सिंह यादव पहुंचे नुह। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में ये बात नहीं कही थी कि देश में गंदगी फैल रही है। मोदी जी ने कहा था कि मैंने 70 साल की गंदगी को साफ करना है और भ्रष्टाचार को दूर करना है। वहीं उन्होंने सरपंचों के चल रहे प्रदर्शन को लेकर कहा जिन सरपंचों को लट लगे हैं वे 1 साल तक उनको नहीं भूलेंगे और ना ही कर्मचारी भूलेंगे। उनके निशान शरीर पर जल्दी नहीं जाएंगे, इसलिए आने वाले 2024 में भाजपा को नतीजा भुगतना पड़ेगा। पूरे देश में कर्मचारी, किसान, व्यापारी सब परेशान है, इसीलिए बदलाव की बहार जरूर आएगी। राहुल जी ने कोई गलत बात तो कही नहीं। राहुल जी ने ये बात नहीं कही कि मैं देश में गंदगी फैल रही है, और जो मोदी जी ने कहा था कि जो गंदगी मैंने 70 साल की साफ करनी है, भ्रष्टाचार को मैंने साफ करना है, राहुल जी ने ये कहा कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नष्ट किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन, सीबी, ईडी, इनकम टैक्स। उन्होंने ये कहा कि बेरोजगारी है, यहाँ पर आर्थिक संकट में है देश, बोलेंगे नहीं जो लटकाए थे।
और ना ही कर्मचारी बोलेंगे, क्योंकि अब तक उनके निशान जल्दी से जाएंगे, एक साल में तो निशान रहेंगे उनके, तो उसका नतीजा इनको 2024 में मिल जाएगा। बातचीत करने नहीं चाहते वो उनसे, अब वो चाहते हैं कि एक सेंट्रल एजेंसी ही टेंडरिंग करे और सारा माल जो है बबली जी अपना ले जाए। तो ये थी देश दुनिया की कुछ खास खबरें, कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।